guys, what's up everybody, it's the boy Bhagwan Baladini again with the new video. By the way, so guys, हम सारे फ्रेंड आए हैं बूंदी रामेश्वर महादेव, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। बहुत लोग यहाँ पे घूमने आशा लेके आते हैं, उम्मीद लेके आते हैं, और हम भी उम्मीद लेके आए हैं, हम भी घूमने जा रहे हैं। अभी तो हमने छोटा ब्लॉग बनाया है ताकि हम ऑल फ्रेंड को बता सके, इंटरव्यू करा सके कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो गाइस हम चलते हैं और आगे की हर चीज़ हर लोकेशन आपको बताएंगे क्या है क्या नहीं है। लव यू। बाकी सब भाइयों के आईडी में लिंक में दूंगा, तो इंस्टाग्राम पर जाके सब भाइयों को फॉलो कर लेना। तो सब भाई हाय करेंगे, हेलो, हाय, जय महादेव, हर हर महादेव। सब भाई का लिंक अपनी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो भाइयों को जाकर फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आइए गाइस और शेयर कराते हैं आपको रामेश्वर महादेव। तो रामेश्वर महादेव आपको दिखाते हैं, यहाँ का छोटी काशी भी बोलते हैं इसको, यहाँ पे ये इसका रोड है यहाँ से। तो गाइस हम रामेश्वर के अंदर एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ पे जो यहाँ का मुख्य गेट है, यहाँ पर पर्ची काटी जाती है। तो गाइज हम आ चुके हैं रामेश्वर, और जो यहाँ पर पार्किंग साइड है इधर देख सकते हैं आप, और शुरू मुख्य गेट पर यहाँ पर पर्ची काटी जाती है। तो आप देख सकते हैं हम चारों आ चुके हैं, और बाकी आगे का आपको। तो हमने पूजा ली है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ का बैकग्राउंड कैसा है। तो भाई बैकग्राउंड जो बहुत अच्छी अच्छी है, देखो आप। तो गाइस अभी और दिखाते हैं, चलो आओ। तो गाइस आप ये मुख्य गेट देख सकते हैं, ये मुख्य गेट है, इससे प्रवेश द्वार। तो गाइस हमारे साथ बहुत बड़ी पिक्चर सेट हो चुके हैं, हम जो पूजा लेकर आए थे वो जो यहाँ के लाल मुंह के बंदर है वो ले चुके हैं। ये बहुत बड़ी घटना हो चुकी है, और ले चुके हैं यहाँ पे बंदर, बहुत भारी भारी है। तो गाइस बच बचा के गाइज बच के आना, और यहाँ के बंदर जो मंकीज है उनसे बच के रहना, वरना आपकी भी थैली लूट सकती है। देख सकते हैं गाइस, यही है वो लुटेरे जिन्होंने हमारी थैली लूट चुकी है, हमारी पूजा लूट चुके हैं ये, और हमें लावारिस कर चुके हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ जो ताड़ के वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, वो काफी बड़े हैं, और यहाँ पर जो छोटी झील है वो बह रही है। बिल्कुल, जो यहाँ के पहाड़ हैं ये काफी विशाल और बहुत बड़े हैं, इनकी तुलना करना भी असंभव है, और ये काफी वर्षों पुराना प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं अपनी उम्मीद लेके, और ऐसा मंदिर कुछ जो भी है मंदिर टाइप से बनाते हैं ताकि उनकी इच्छा पूरी हो। और ये यहाँ के बाबा हैं, देखो आप, ये देखो बहुत सारे मंदिर श्रद्धालु यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं वैसे। ये देखो आप बहुत सारे मंदिर बनाते, आप देख सकते हैं ये जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, ये पत्थरों से अपना घर बना कर जाते हैं। यही है, यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, तो गाइस यहाँ पे बच के रहना चाहिए, इनको कितना भी खिलाओ पेट में कमी पड़ता है। आईफोन प्लस किसी बेटा है, प्लस में बेटा ये बच्चों दी ले।
ये अपना स्वागत करने के लिए बैठे हैं। नो 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 नो, आप जो देख सकते हैं विशाल काय पर्वत है। जय श्री महाकाल गाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ का दृश्य नजारा काफी खतरनाक है। हम भी यहाँ पर अगर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय करो। देखो यहाँ का दृश्य कितना खतरनाक है भाई, दिखाएंगे आपको। और आप यहाँ पर आओगे तो घर वापस जाने की इच्छा नहीं होगी 100%। पहले भी गए तो बार बार आने, जाने से कोई मतलब नहीं है, तो वापस यहाँ पर आने की इच्छा होगी। तो दिखाओ भाई इनको यहाँ का दृश्य, देखो बाबा की पूजा होते हो यहाँ पर, घंटिया वंटिया सब है। ठीक है, आप भी बजाइए। ठीक है ना। हर माले भोले भोले बाबा की। हेलो भाई, यहाँ पे बहुत अच्छी सीढ़ियाँ हैं और आगे नजारा बताते हैं आपको। मंदिर आए हुए बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है और काफी श्रद्धालु उम्मीद लेके खड़े हैं। तो सो गाइस, आप भी आइए, दर्शन करिए भोले बाबा का, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आगे देखिए तो गाइस, हम फाइनली आ चुके हैं बाबा के दर्शन करने और ये सभी श्रद्धालु है। हर हर महादेव। आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्शन कर सकते हो जाएंगे। पंडित जी महाराज यही है, इनसे मिलिए और ये सभी श्रद्धालु है। तो पंडित जी महाराज से मिलो, ये बताएंगे कैसे क्या नहीं है, जो भी हो जाएंगे परिचित। ये रामेश्वर महादेव प्राचीन स्थल है, बूंदी घंटे साल, ये तो हजारों साल पुराना है, इसका कोई पता नहीं है, अपने आप बने हुए हैं। मतलब लेके आए जो हर मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर, हर मनोकामना पूरी होती है, मतलब हजारों की तादाद में दर्शन करके जाती है, बहुत सारी भीड़ हो जाती है, पड़ता है। और जैसे सावन का एक महीने का मेला ही चलता है, अभी मेला ही है, एक महीना का मेला चलता है रामेश्वर महादेव में प्राचीन स्थल को देखने के लिए, करने के लिए यात्री आते हैं रामेश्वर को। और भादवा की शिवरात्रि बढ़ती है, आधा भादवा में तेरस की प्रगमा लगती है रामेश्वर महादेव के चारों मेर पहाड़ के। तो सभी जाते हुए ढोल नगारा झंडा वगैरह ध्वज वगैरह दुपड़ा वगैरह हजारों आदमी जाते हैं प्रतिमा के अंदर, बूंदी कोटा झालावाड़ पारा सभी की मनोकामना पूरी होती है। सब बोलो एक बार, सब बताओ तब आप, हम भी आए दर्शन करने, बोलते हैं भी आए बाबा के दर्शन कर ले तो बहुत अच्छा लगा, दर्शन में बहुत आनंद आया इसके, और बाबा जी आगे प्रसाद का भोग लगाया, इससे सभी लोग संतुष्ट हुए और हमारी आत्मा भी संतुष्ट हुई। इससे बाबा के हजारों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, तो एक बार सब जोर से बोलेंगे हर 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 महादेव। बोले ना
मस्त नजारा है यहाँ पे। देखो आप पर्वत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आपको यहाँ पे कैमरे से नहीं देखेगा कभी, आप यहाँ पर आओ। रामेश्वर महादेव बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है ये, और ये झरना देख रहे हो आप, ये 12 महीने चलता है। वहाँ पे एक शिवलिंग है, वहाँ पे जो श्रद्धालु नहा रहे हैं वहाँ पे बहुत शिवलिंग है, बहुत बड़ी है। जूम करके बता देता हूँ आपको, दिख रही होगी आपको, जूम करके दिख रही होगी। और श्रद्धालु यहाँ पे नहा रहे हैं देखो आप, और ये हमारे फ्रेंड लोग है देखो, कुंड के पास नहा रहे हैं। आइए बताएंगे हम केकड़ी से आए हैं साहब, और बाबा के हैं दर्शन करने के लिए, महादेव जी हैं। अच्छा झरना है, जन्नत में आ गए तो बाबा, आप भी आइए और मजा लीजिए। यहाँ इतना भी तेज बारिश हो शिवलिंग पे पानी जरूर गिरता है, यहाँ की अच्छी विशेषता है। अच्छे झरने हैं, पहाड़ अच्छी जगह है, बहुत अच्छा सुकून मिलता है, बहुत अच्छी जगह है। ये स्थान बूंदी के पास रामेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, और यहाँ सावन सावन के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। हर हर महादेव, हर हर भगवान की जय। नाम आएगा विष्णु मां के दो से जरूर पूरी होती है यहाँ, दूर दूर से विदेश से भी पब्लिक यहाँ पे आती है, पर्यटक स्थल है एक तरह से। तो झरना है जितने ऊपर से आता है, जो श्रद्धालु है वो नीचे स्नान करते हैं, और जो आप देख सकते झरना वो डायरेक्ट। तो गाइस हम यहाँ पे हम दर्शन कर चुके हैं, और ये झरना है तो हम देख चुके, झरना काफी अच्छा है, आप जरूर आना यार एक बार तो आना यहाँ पे। तो हम चलते हैं इसी के साथ साथ, और आप भी आइए दर्शन करिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। काफी भोलेनाथ का स्थान है, बहुत प्राचीन है, बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं बता सकता। आप कभी आओगे यहाँ पे तो खुद जान जाओगे, खुद जान जाओगे, आना जरूर कर। और जो अपना YouTube चैनल है वो भूलना मत, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और Instagram लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है भाई को फॉलो करना, फोटोज लाइक करना, और नोटिफिकेशन बेल जरूर मत भूलना, हर पोस्ट नोटिफिकेशन बेल के बाद ही आएगी आपके Instagram पेज पर। तो जाओ सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट। प्रकल्प अनेक शिल्पिन रामेश्वर महादेव, बोलो नीलकंठ महादेव की जय, बोलो भोलेश्वर महादेव की जय, बोलो भगवत के हनुमान जी महाराज की जय हो। तो हमारे बूंदी छोटी काशी भगवान शिव के नाना रूप के नाना नाम के मंदिर स्थापित है, जो पहाड़ों के अंदर पहाड़ों के किले पर स्थापित है। श्री रामेश्वर महादेव यहाँ के मुख्य बड़े और बहुत सुंदर रमणीय स्थान है, यहाँ पर दूर दूर के दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए और अपनी मनोकामना सिद्ध करने के लिए अपनी सर्व सिद्धि सर्व कामना की पूर्ति करने वाले भगवान श्री रामेश्वर महादेव के स्थान पर सभी यात्री गण यहाँ पर पधारते हैं। श्री रामेश्वर महादेव स्थान पर नीचे झरने के अंदर श्री नीलकंठ महादेव है, और उसके नीचे और नीचे आते भोलेश्वर महादेव है जो रमणीय और तात्कालिक स्थान है, और भोलेश्वर महादेव के पास श्री चित्त गुफा है, इसमें अनेक संत महात्माओं ने तपस्या की है, और यह तपोभूमि श्री रामेश्वर महादेव स्थान पर नाना ऋषि नाना संत महात्माओं ने तपस्या की है। यह बूंदी जिले के अंदर सुंदर रमणीय स्थान है। बोलो रामेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव। आता है मतलब आपको पता नहीं सकता, आप यहाँ पे आओ दर्शन करो, बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री महादेव देव बोले, जय श्री महाकाल। सो गाइस हमारे रामेश्वर महादेव की सबसे प्रसिद्ध दुकान है श्री हरि किराना स्टोर,
रेस्टोरेंट बहुत अच्छी कचौरी यहाँ पे और बहुत हमें अच्छा लगा। ये बताइए यहाँ पे क्या क्या मिलता है, बहुत टेस्ट है। सो गाइस पूछे इनसे क्या क्या मिलता है बताओ। यहाँ की स्पेशल पकौड़ी और ब्रेड पकौड़े, मेथी बड़े और कचौड़ी प्याज की और दाल की ऑर्डर पे खाना बनाया जाता है कच्चा पक्का। सो गाइस आप कभी रामेश्वर बूंदी डिस्ट्रिक्ट में आओ, इनको ऑर्डर दीजिए और अच्छा खाना खिलाएंगे आपको, बहुत मज़ा आएगा। सो गाइस इसके लिए धन्यवाद। यह है यहाँ की कचौरी, देखो आप बहुत गरम गरम है। और यहाँ की है पकौड़ी और यह है मिर्च पकौड़े और पकौड़ी। और एक बार खाओगे तो हमें से खाते रहोगे और बार बार खाने आओगे, यही है बात। और यहाँ पे एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारे यहाँ शंकर जी हैं और ये देखो यहाँ पे खाना ऑर्डर देते हैं यहाँ पे और खाना बनाया जाता है बहुत अच्छा। देखो ये दाल है, ये कते है, ये बाबला है, देख सकते हो आप बहुत टेस्टी है। और इन्होंने आज हमें इनवाइट किया है यहाँ पे, तो गाइस आप भी आए इनको खाना का ऑर्डर दीजिए, बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे आपको। एक बार खाओगे बार बार मांगोगे। और ये इनों की शॉप है आप देख सकते हो, हमें एड्रेस डाल देंगे सेनी रेस्टोरेंट। हरी भाई साहब ये रहे, इनसे मिलिए। हमारे मेहमान आए हैं ऐसे बाहर से और लोगों को बुला रहे हैं। लोकेश बिल्कुल, तो सर आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री राम जी पकौड़ी काटते हुए गर्मा गर्म पकौड़ी। तो गाइस हमारे आदित्य जी और आदित्य जी भाई साहब पकौड़ी लेके आए हैं, इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई है 56 मसालों से। तो आइए इनसे परिचय करिए और पकौड़ी देखिए आप, बहुत गरम गरम है, मज़ा आ जाएगा आपको। ये हमारे हरीश जी भाई साहब है और ये आदित्य जी भाई साहब है और ये हमारे पकौड़ी के बारे में कुछ बताएंगे और इनसे सुनिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी इनसे। पूछो हरीश भाई साहब बोलिए। एक नंबर पकौड़ी बनती है और 56 मसालों के स्वाद से बनाई जाती है और इसे स्वाद के नाम से जाना जाता है। और इसे ब्रेड, मिर्ची वड़ा, पकौड़ी, कचौरी, दाल की कचौरी, प्याज की कचौरी, समोसे, ये इसमें पनीर पकौड़ी, चाखाना ऑर्डर किया जाता है। और जैसे कि स्वाद में सेवा का मौका जरूर दें और जो भी पधार रहे रामेश्वर महादेव में हरी भाई की कचौरी जरूर खाएं रामेश्वर महादेव में। ये रामेश्वर महादेव की पकौड़ी, इसे बोलते हैं पकौड़ी। आप खाते हो पकौड़ी, खाते पकौड़ी, इसे खाओ पकौड़ी। हमारे राजीव भाई साहब और हरीश जी भाई साहब है रामेश्वर महादेव में और मतलब अंदर जाते वक्त राइट हैंड पे इनों की शॉप है हरी हरी रेस्टोरेंट के नाम से। और आइए आप भी सेवा का मौका अवसर देने को और मौका अवसर भी ले, बहुत अच्छा है। और हमें खा के देखेंगे क्या है क्या नहीं है, सुबह से हम बताते हैं और हमारे सुनवाई। और आपको अगर टेस्ट लेना है तो यहाँ आए टेस्ट फोटो में ले। तो गाइस हमारे यहाँ पे सेनी स्टोर पे, तो यहाँ पे मोरूलाल भाई ये चाय एक नंबर बनाते हैं, तो आओ इनका इनसे पूछते हैं क्या क्या करते हैं ये चाय वगैरह का, किस किस टाइम बनाते हैं चाय वगैरह। बिरा स्पेशल स्पेशल चाय बनाते हैं भाई, और ये अभी चाय बना रहे थे हमारे लिए, तो आप देख सकते हैं। और कभी आओ आप रामेश्वर, तो जो अपना सेनी स्टोर है हरी कृपा जो है इस पर आना जरूर। और यहाँ पे भाई किराना स्टोर श्री हरि किराना स्टोर, इस पे आना, खाना और जो भी है चाय वगैरह सब यहाँ पे मिलती है, तो जरूर आना। चाय और बैग आपकी चाय जरूर बिना एक नंबर चाय बना दे, चाय और कॉफ़ी। तो चाय की अपनी क्या प्राइस है आपको? 5 रुपये। 5 रुपये चाय और कॉफ़ी, कॉफ़ी 20-15 रुपये। 15 रुपये कॉफ़ी आपके लिए, 15 रुपये स्पेशल स्पेशल चाय 10 रुपये। तो आओ और यहाँ पे फुल मजे लो, इंटरेस्ट लो चाय के, फिर मिलते हैं अपन।